आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मंगलवार तक 62 लाख की बिक्री हो चुकी है, जिसके संबंध में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने बताया कि मंडल स्तरीय प्रदर्शनी अभी चल रही है जो कि 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमे 7 राज्यों के लोग यहाँ आकर अपना स्टॉल लगाए हुए है जिनकी बिक्री अच्छी चल रही है। प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसके अलावा खादी फैशन शो हो रहा है। उन्होंने कहा खादी कपड़ों का डिमांड बढ़ी है, लोग ज्यादा से ज्यादा खादी कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर फर्नीचर, जूट, कानपुर के जूते, गर्म कपड़े, कश्मीर का ड्राई फ्रूट सहित विभिन्न तरह का स्टॉल लगा हुआ है, जिससे नागरिकों को एक जगह पर सभी तरह की वस्तु मिल जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने कहा सर। आओ आओ बाजू रही सामंत कहाँ सा है? कश्मीर से सर जी। इतना यहाँ पर मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा, कैसी? बहुत बहुत अच्छी, मतलब खुशी है कि हम गोरखपुर में हम हमारा स्टॉल लगा है जो खादी महोत्सव लग रहा है। हर साल आते हैं, इस साल भी है, लेकिन कम है इस साल, लेकिन फिर भी अच्छा है। ठीक है जी सर। पहली बार आए नहीं, हर साल आते हैं सर। अभी तक का रिस्पांस कैसा रहा? अभी तो ठीक है, वैसे पिछले मुकाबला देखे तो नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। प्रमोद कुमार। अच्छा सर। आर के लेदर प्रोडक्ट कानपुर। यहाँ प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा है जी, क्या स्थिति है बिक्री? अभी तक तो ठीक है सर, 2 दिन से थोड़ा डाउन है। सैटरडे संडे बहुत अच्छा गया था। इससे पहले भी आप आ चुके हैं? जी, 5 साल 5 5वीं बार आया हूँ मैं सर। हाँ, बिक्री बढ़िया होती है। हाँ, ग्राहक भी आते हैं। मेरा नाम रणजीत पन्नू, पंजाब पटियाला। यहाँ पे मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा, अभी तक क्या रिस्पांस रहा लोगों का? रिस्पांस माड़ा ही है, मतलब रिस्पांस खराब है, हल्का चल रहा है। ठीक ठाक हो रही है? नहीं नहीं, नॉर्मल ही ऐसे चल रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो सर काफी सालों से आ रहा हूँ। गोरखपुर अभी तक कितनी बार स्टॉल? स्टॉल तो 5-6 बार होती है। अभी ठीक ठाक? ठीक ठाक होती है, चलता है। कभी तो कभी पब्लिक पर है, पब्लिक आती है चलती है, नहीं आती तो कैसे चलेगी।
मेरा नाम एके पाल है, मैं यहाँ जिला ग्राम उद्योग अधिकारी हूँ और परिषद का भी प्रभार देख रहा हूँ। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई है, अभी तक क्या इस पर रिस्पॉन्स है? मंडल स्तरीय प्रदर्शनी जो हमारी जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में चल रही है, 7 तारीख से 21 तारीख को इसका समापन है। इसमें जो है विभिन्न प्रांतों के लोग आए हैं, करीब 6-7 प्रांतों के लोग उद्यमी अपना आए हुए हैं, अपना बिक्री कर रहे हैं और प्रदर्शनी बड़ी अच्छी चल रही है। अब तक जो है इसमें 62 लाख रुपए तक की बिक्री हो गई है कल तक, और रोज़ कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं सूचना विभाग द्वारा निःशुल्क, और शाम को भी आरजे नवीन जी द्वारा जो है एक निःशुल्क कार्यक्रम रोज़ कुछ न कुछ होता है, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल जैसे फैशन शो था, आज भी फैशन शो है बच्चियों का, 20-22 बच्चियाँ थी फेमिना ग्रुप के हिसाब के द्वारा जो है कराया गया था, प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता, 2 दिन का सम्मेलन भी हुआ था। यही अपना खादी प्रदर्शनी जो है विशेष अहमता इसमें डिमांड रहती है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा बिक्री का? अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर, चूँकि खादी के कपड़े जो है अब जाएंगे दुकान पर लोग लेने के, कोई एक दुकान मिलेगी, यहाँ पर कई जगह की दुकानें आई हुई हैं तो अपने पसंद के हिसाब से वो ले लेते हैं, मोटी खादी पतली खादी सब ऊनी खादी सब लगे हुए हैं यहाँ पर, लोग स्टॉल लगाए हुए हैं, और यह एक तरह का संगम है खादी का, खादी में कोई लकड़ी में का काम करता है उसका फर्नीचर वगैरह लगा है, सहारनपुर से आए हुए हैं, और कोई जूट बैग बनाता वो भी आए हुए हैं, इसके लिए अलग अलग जगह जाना पड़ेगा लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक जगह जो है इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है कि हमारे जो उद्यमी लोग हैं जो वित्त पोषित हैं उनके द्वारा उत्पाद जो है एक जगह इकट्ठा होकर मिलें और एक दूसरे को देख करके उनके अंदर जो है यह भी भावना आएगी कि कैसे हम अपने माल का सुधार कर सकते हैं या कैसे पैकेजिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।